मेरा नाम डॉक्टर राबिया वाजिद है. मैं करंटली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनी के तौर पे काम कर रही हूँ. मैंने ग्रेजुएशन फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद मुझे लाहौर के तकरीबन तमाम बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिला. फिर उसके बाद मैंने 2011 में फेलोशिप की और उसके बाद से मैं एचिसन और लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, जो कि तकरीबन एशिया के सबसे बड़े गायनी के पेशेंट्स का मरकज़ समझे जाते हैं. इस मौके पर मैं ख़वातीन को ये बताना चाहूँगी कि उनके लिए अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमल के दौरान बल्कि उसके अलावा भी. मैं आमतौर पे जो पेशेंट्स देखती हूँ, वैसे तो हर तरह का पेशेंट देखती हूँ, लेकिन आमतौर पे हमल की पेचीदा कंडीशंस, इनफर्टिलिटी और इसके अलावा जो ख़वातीन में आजकल एक मसला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, ये हम इस पर मेरी ख़ुसूसी तवज्जो है. हमल के दौरान तमाम ख़वातीन को चाहिए कि अगर उन्हें मौका मिले तो हमल से पहले ही हमल के बारे में एजुकेशन हासिल करनी चाहिए. इसमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हो सकते हैं कि जिनके नतीजे में उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनमें जो मसाइल अहम हैं उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी. जैसे हमल में ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बच्चे की हरकत कम महसूस होना, हमल के दौरान माँ का वज़न ना बढ़ना, इसके अलावा दिल तेज़ तेज़ धड़कना, सांस तेज़ तेज़ आना और इसके अलावा बच्चे की हरकत में किसी किस्म की कमी और माँ को इस हमल के दौरान खून पड़ना या पानी पड़ना, ये वो मसाइल हैं जो आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए. और अगर ऐसा कुछ भी उनके साथ होता है तो उन्हें फ़ौरन एक मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करनी चाहिए. हमल तो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मरहला है, सो है. ख़वातीन की अगर वो वाइटलिटी अपनी मेंटेन करेंगी तो इसी में ही सोसाइटी की बेहतरी है. इसके लिए ख़वातीन को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने टाइम में से टाइम निकाल के एक्सरसाइज को ज़रूर टाइम देना चाहिए, अच्छी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए. जो भी पेशेंट्स मेरे पास आए उन्हें आज मैं लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक उनकी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी करती हूँ और उनको वो चीज़ें भी बताती हूँ जो उनके लिए नुकसानदेह है, ताकि वो अपना वज़न मेंटेन कर सकें. इसके अलावा ख़वातीन को बच्चों में मुनासिब वक्फा रखना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना चाहिए. फिर इसके साथ साथ ख़वातीन जब एक दफ़ा उनकी माहवारी बंद हो जाए, मीनोपॉज शुरू हो जाए, उसके बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं. इन मसाइल को जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ख़वातीन को बिल्कुल पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालना चाहिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए. अगर आप अपने किसी भी मसले के सिलसिले में मुझसे रजू करना चाहते हैं तो मैं कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूं और इस कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं.